गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वन प्लस नॉर्ड सी ई थ्री लाइट के फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। तो फाइनली अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट बताते हैं, सारे स्मार्ट फीचर बताएंगे आपको जो कॉल से रिलेटेड हैं। कई तरीका है दोस्तों इनको जो है ओपन करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन का शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का, हो सकता है आपको एडिशनल का ऑप्शन मिले, या आप अपने सेटिंग में सर्च कर सकते हैं जो है स्मार्ट कॉल लिख के, और यहाँ पे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद। इसके बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट कॉल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे स्मार्ट फीचर हैं। स्मार्ट कॉल आप लिख के सर्च भी कर सकते हो, और एक एक ऑप्शन आप लिख के सर्च कर सकते हैं, आपके फ़ोन में दिखेगा, आप इनको ऑन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इनको ऑन करेंगे, यूज कैसे करेंगे। तो यहां पे जो स्मार्ट आंसर का ऑप्शन है इसको अगर ऑन कर देते हैं तो आपके फोन पर जब भी कोई कॉल आ रही है आप अपने फोन को अपने कान के पास ले जाएंगे, कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच को अगर ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आप हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और आपके नंबर पर हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और आप अपने फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे, हैंड फ्री हट जाएगा। स्मार्ट म्यूट है, अगर दोस्तों इसको आप ऑन कर देते हैं दोस्तों आपके फ़ोन पर जब भी कोई इनकमिंग कॉल आ रही है आप उसको म्यूट करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन उल्टा कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, यानी उल्टा कर देंगे, कॉल म्यूट हो जाएगी। वे फॉर हैंड फ्री इसको ऑन कर देते हैं तो कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है आप अपने डिस्प्ले के लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हथेली इधर उधर फेरेंगे, आपकी कॉल हैंड फ्री के साथ रिसीव हो जाएगी, यानी रिसीव भी हो जाएगी और हैंड फ्री भी हो जाएगी।